हे गाइस, वेलकम बैक टू रिनोट्स चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाएंगे गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम आपको ये नहीं पढ़ाएंगे अभी, चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है गोल्डी लॉक्स ऑन पिकनिक विद हर फैमिली, मतलब गोल्डी लॉक्स पिकनिक में गई थी अपने फैमिली के साथ। बट सी वंडर अवे, सी इज लॉस्ट। वो अचानक से कहीं चली गई और खो गई। फिर उसने देखा कि मैं अपने रास्ता ढूंढ लूंगी। उसने कहा मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। उसने एक छोटा सा घर देखा। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर गई। उसने कहा आई विल फाइंड माई वे, मैं अपना रास्ता ढूंढूंगी। उसने फिर एक अंदर जाकर उसने एक छोटा सा कॉटेज देखा, मतलब घर। फिर हेलो इज एनीवन होम, मतलब ये किसी का घर है, एनीवन होम। तो उसने डोर ओपन किया, वो चली गई। तो क्या होता है फिर, गोल्डी लॉक्स भूखी थी, लिखा ना गोल्डी लॉक्स इज हंग्री। और फिर क्या होता है, सी लुक इनटू द किचन एंड सी थ्री बाउल ऑफ पॉरिज। उसने किचन के अंदर देखा थ्री बाउल पॉरिज के। पर पहला बाउल उसने खाया तो गोल्डी लॉक्स ने ट्राई किया पहला बाउल खाने, वो बहुत गर्म थे। देखे गोल्डी लॉक्स ट्राइड टू ट्राइज द पॉरिज इन द फर्स्ट बाउल। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप ऊपर का पढ़ सकते हैं, ओके। तो और उसका दूसरा बाउल बहुत गर्म, बहुत ठंडा था उसके लिए। और उसका ये तीसरा वाला बहुत यम्मी और परफेक्ट था उसके लिए, परफेक्ट था बिल्कुल। और उसको फिर आराम से बैठना था, कंफर्टेबल बिल्कुल। तो उसने तीन चेयर्स देखी, पहली वाली बहुत ऊंची थी, और दूसरी वाली बहुत बड़ी थी, तीसरी वाली उसके लिए आरामदायक थी। और फिर वो चेयर टूट गई। फिर उसको नींद आई थी तो वो गई बेडरूम में। पहला उसने देखा बहुत हार्ड था, बहुत सख्त। दूसरा देखा बहुत बहुत मुलायम। और तीसरा उसके लिए परफेक्ट था, बिल्कुल आरामदायक था। फिर सारे मम्मा पापा बेबी बियर वापस आए घर। उन्होंने देखा कि किसी ने, बेबी बियर ने कहा किसी ने मेरा पॉरिज खा लिया, मेरी कुर्सी तोड़ दी है। फिर उन्होंने देखा वो बेडरूम में, उन्होंने देखा कोई मेरे बेड में सो रहा है छोटे बियर ने। फिर क्या होता है कि उसके पापा ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने बोला मैं गोल्डी लॉक्स हूँ और मैं खो गई हूँ, मैं यहाँ मदद के लिए आई थी। तो फिर उसने बोला कि उसकी मम्मी ने कि हमने किसी दो लोगों को देखा था एक छोटी सी बच्चे को ढूंढते हुए, तो क्या बेबी बियर तुम उसको उसके फैमिली के पास ले जा सकते हो। तो गोल्डी लॉक्स ने उससे कहा सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हारी कुर्सी तोड़ दी। उससे कहा इट्स ऑल राइट, मतलब ओके कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, गोल्डी लॉक्स खुशी खुशी अपने घर चली जाती है वापस आराम से। मतलब अगर हमको कोई परेशानी में आदमी दिखे और उसने हमारी कोई सामान तोड़ दी, तो हमको गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें उसकी हेल्प जरूर करना चाहिए। तो आज मैंने आपको पढ़ाया गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। थैंक यू, मुझे रहिएगा, बाय बाय, सी यू, बाय।